हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? तो हर रोज की तरह आज भी राइड स्टार्ट हो गया। दोस्त आने वाला है देव, उसके लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्यूक 390 नेकेड। आई होप कि आप लोग अच्छे हो और अच्छे रहने भी चाहिए। तो देव भी आ रहा है एक 5 से 10 मिनट में। देव आएगा यहाँ सायन के फ्लाईओवर से और मैं रुका हूँ अभी चुनावट्टी के पास। पहले तो देखेंगे टाइम, 6 बज रहा है। नमस्कार माझे भावांनो, तुम्हाला सर्वांना एक विनंती रायडर भावांनो, जर तुमची गाडी कुठं कुणी अडवली तर तुम्ही सर्वप्रथम सॉरी बोलायचं नाही, ते समोरच्याला कानाखाली द्यायची, मग विचारायचं की गाडी का अडवली, मग विचारायचं गाडी का अडवली। हे आजकाल जे छपरी लोक आहेत ना, गाडी अडवतात आणि रायडर लोकांना त्रास देतात, तर कुणीच घाबरायचं नाही। महाराष्ट्र पोलीस तुमच्या सोबत आहे, बिंदास मारा आहे का, कुणी कानाखाली द्या डायरेक्ट। जय हिंद। ये बंदा जो अभी था ये पुलिस में था, बोला मैं वीडियो देखता हूँ आप लोग का, आप लोग प्रोफेशनल राइडर हो और ये छपरी राइडर लोग आते फिर वो आप लोगों को कट मारता है, कट मार के आगे निकल जाता है, फिर आप लोग जाते हो, आप लोग ही उल्टा सॉरी बोलते हैं। बोला ऐसा नहीं होता है, बट आप देखे हो तो अभी हम लोग प्रोफेशनल राइडर है तो हम लोग के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। फाइनली गाइस, देव इज हियर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग, कैसा है? लेट आया 10 मिनट और आज अपना बंटा नहीं आने वाला, कौन मालूम ना, सम्राट सम्राट मिस है। कोई बात नहीं, हम लोग ही राइड करने वाले दोनों, ड्यूक 390 नेकेड और ये एडवेंचर, दोनों ही मचाने वाले हैं। लेट आया, कितना बज रहा है अभी? 6:15। तू ही बोला था रुक, लेट आ रहा। मैंने नहीं बोला था। नहीं रे, मैं उठा उसको, थोड़ा वो किराने का था ना। गाइज, आप लोग को पता है किसी के पास पेट्रोल नहीं है बाइक चलाने के लिए और ये बंदा एडीबी वाला गाड़ी स्टार्ट करके मोबाइल चार्ज कर रहा है, एडीबी 250 और टॉप बॉक्स भी लगा है। Okay, for those of you, it's not compulsory for you guys to regain this information behind. Whoever is following me, if that person goes into a single line or merges, splits into a double line, the rest will follow. So you guys do not need to relay information to everyone else and then try, it can cause you to lose control of your motorcycle. Okay, and we don't want that happening. How many riders are riding in a group for the first time over here? 1, 2. Anyone else? No? Okay, so you guys will be directly behind me, after which we'll have the formation form. I'll be deciding on numbers for the entire group. You guys will stick to that numbers throughout the ride. We do not want anyone overtaking each other. Okay? और बाइकर्स लाइनअप में है और हम लोग निकल रहे हैं अभी। देव भाई रेडी हो रहे हैं, क्या बोलता देव, राइड कैसा होने वाला है? एकदम फैंटास्टिक, आराम से चलाना है अपने को, एक्सपीरियंस लेना है, मज़े लेना है। टाइम हो गया 8:20 और 5 मिनट में निकल जाएंगे पनवेल से पवना लेक, जो लोनावाला के आजू बाजू में ही कहीं पे है। और ये गाड़ी हम लोग के साथ रहने वाला है जो फोटोग्राफर का है। क्या हुआ भाई? हेलमेट गिर गया भाई। इधर तक आया? हाँ? मतलब कुछ तो फील हुआ मेरे को, तो नीचे ध्यान देने का देखा ही नहीं, मेरे को लगा तो गाड़ी ठोका पीछे। सारे राइडर रेडी है निकलने के लिए। देव का डांस देखो, देव कौन सा डांस है ये? देव आगे निकला और मैं पीछे,
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीव 390 नेकेड गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मारो फटाफट। राइड एकदम फैंटास्टिक होने वाली है, KTM पावर राइड है। और पहले तो आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लगता है यार, एक 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 लाइनअप में ये पावर राइड यही है। बाकी जो ऐसा नॉर्मल राइड रहता था, कोई आगे कोई पीछे कोई यहाँ कोई वहाँ, जैसा भी हो जा रहा है राइट में लेफ्ट में। पूछ रहा है भाई क्या है ये, बोले ऐसा ये पावर राइड है मैन, पावर राइड, दिस इज अ पावर राइड। 60-80 दिखा रहा है यहाँ पे मेरे को कि ऑयल प्रेशर जो इसका कम होएगा, धुआं मार रही गाड़ी, रिंग पिस्टन का जो है काम है करना है। जमीर भाई बुलाए मंडे को, गाड़ी 3-4 दिन लगेगा, तो शायद इस पर वीडियो आए या नहीं आए पता नहीं, क्योंकि गाड़ी छोड़ना पड़ेगा मुझे सर्विस सेंटर में। देव पूछ रहा है कि क्या है ये, मैं बोला भाई 60-80 के स्पीड में ही जाने वाले हम लोग, क्योंकि ये पावर राइड है। पावर राइड में आप गाड़ी आराम से ही चलाते हो सेफ्टी के साथ। और गाइस आगे तक तो मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद लाइनअप में हूँ। ट्वेंटी से 25 का स्लॉट है ये, और ज़्यादा ये मैं बताऊँ कि ATV वाले 390 250 नेकेड वाले बहुत कम है। ओ दादा और ये हमारा फोटोग्राफर, ये देखो ये हरकत है इन लोगों का, देख रहे हो ये किल स्विच। और ये हमारे फोटोग्राफर की गाड़ी। एक शैतान से छुटकारा मिला तो दूसरा शैतान मेरे साथ ही है किल स्विच करने के लिए। पिछले राइड पे भी मेरे को सम्राट परेशान कर रहा था, और ये राइड पे देव परेशान करने वाला है। रे वो भाई फोटो वीटो आएगा, देखा बोलने पे फोटो निकाल रहा है। ये हमारा फोटोग्राफर काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करता है। मैं इसके साथ, ये मेरा सेकेंड राइड है ये बंदे के साथ, जो मैं कुरलाई फोर्ट गया था, और कुरलाई फोर्ट में फोर्ट बंद था तो हम लोग नीचे से ही वापस आ गए थे। काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी किया था ये बंदे ने। काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी करता है बंदा। और ये एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये लेडी ड्राइवर क्या कर रही थी पता नहीं। और अपने सारे राइडर आगे जा चुके हैं, लाइन बना के ऐसा दो फिंगर दिखा, मतलब दो लाइन में चलना है, एक फिंगर दिखा यानी एक लेन में चलना है। तो ये एक्सपीरियंस होता है राइड का, KTM पावर राइड का। ये बंदा है ना 70 की स्पीड में चल रहा है और 6 गियर पे चला रहा है गाड़ी, उसकी गाड़ी आवाज़ आ रही पीछे। तो मैंने देखा वो कितने की स्पीड में चल रहा है, 70 की स्पीड में चल रहा है और गियर 6 है। वाह भाई वाह, KTM चला रहा है, नाम ख़राब कर रहा है देव, देख रहे हो खींच रहा है 6 गियर में डाल के। ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक कार चला रहा है। गाड़ी नंबर 02-0220 है साले का, गाड़ी नंबर 420 रहना चाहिए था।
तो मजा ही आ जाता। दोस्त है यार, मजा कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, अब इनकी मजे नहीं लो तो किसकी लूँ। एक तो है नहीं सम्राट, मैं तो उसकी भी लेते आज मजे, लेकिन आया नहीं है। कोई नहीं, वो कहीं और उसके फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं वाटरफॉल गया है। कोई नहीं, मैं मिस कर रहा हूँ उसको, क्यों रहता था और मज़ा आता। ओए मोटी क्या बोल रही है, सख्त लंडा। वो लड़की ने कुछ उसको बोला, भाई साहब दिखता नहीं क्या, सख्त लंडा है अपना। और वो टैक्सी वाला मुझे भी, मैं राइट से निकल रहा था तो मेरे को भी दबा दिया था एक खड्डे की वजह से, पर उसको देखना चाहिए था कि राइट में गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। और अभी ये लो हम लोग बीच से चल रहे तो फोन मार के जा रहा है और देख के जा रहा है। और ये फोटोग्राफर फोटोशूट, काफ़ी बढ़िया फोटो निकालता है बंदा। गाइज आप लोग भी इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ भी लाइक करो। इंस्टा आईडी है deep390_naked। तो गाइज वहाँ पे जाओ, फॉलो करो, लाइक करो फोटोज वीडियोस। काफ़ी अच्छा है, लोग फ़ोटो शूट भी करते हैं और हर एंगल से, और एडिटिंग भी इनकी अच्छी है। और ये आगे जो दिख रहा है बंदा, ये हम लोग के साथ काफ़ी टाइम से ओवरटेक कर रहा है, हम लोग के साथ साथ ही चल रहा है। और काफ़ी वीडियोस वगैरह भी निकाला ये बंदे ने, मतलब बंदा आगे बंदी पीछे है, वीडियोस वगैरह भी ले रहे। अच्छा लगता है यार कि मतलब सुपर, देखो वापस स्टार्ट कर दिया इसने, वापस स्टार्ट किया वीडियो लेना। ठीक है, मैंने बोला और स्टार्ट कर लिया इन्होंने ये। और यहाँ पे बीच में एक दरगाह, अल्लाह पाक हर लोगों की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन कमेंट्स में लिख देना। बुगाटी फुल पावरफुल मशीन, बुगाटी और ये आरआर, और ये बुगाटी और ये आरआर 1000 वर्सेस कावासाकी रेसिंग, और ये R1 खतरनाक यार, और ये वर्सेस 1000 डेविल बुगाटी। और एक हायाबुसा भी है यहाँ पे, और एक BMW, इडली, और एक मेदू वड़ा, और देव खा रहा है उपमा उपमा माँ माँ घर पे, पर उपमा है गरीब गरीब जो। और ये दो गरीब लोग के अभी तक आए नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। मालूम पड़ा उधर से सोच तो पड़ेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मालूम पड़ेगा उधर से मरना, हेलमेट फेंक के मरे उधर गरीब बोलता है। जाती थे चल बोल लोग साइड से। गाइज आप लोगों को पता है 500 रुपीस ले रहे हैं लोग, लेकिन सब चोरी कर रहे हैं लोग। क्या मिल रहा है देखो, कभी मत आना राइड पे, KTM Pro XV के राइड पे। पहले क्या क्या मिलता था। और ये होटल है, रेस्टोरेंट, और ग्रुप वाले वहाँ खा रहे हैं। गाइस ये डॉग का नाम है चोचो, चोचो डॉग। इतना क्यूट है ना चोचो, चोचो। ब्रेकफास्ट हो गया, बाकी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं,
और यहाँ पे अपना लाइनअप में गाड़ी सारी। बहुत प्यारा रोड है और लग रहा है ये भी एक घाट है, क्या मालूम आगे से भी गाड़ी आ रही होगी, तो नहीं दिख रहा है इसके लिए हम पीछे जाएंगे। चलो कुछ नहीं है, अच्छा ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे भी, मौसम अच्छा है अभी। और पोमना लेक में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ पे। देव इतना भगाने वाला गाड़ी इतना स्लो चल रहा है, 40-30 सोच रहेगा कहाँ है यार ये, मैं इस राइड पे आके फंस गया, भगाने के लिए नहीं मिल रहा है। वैसे थोड़ा जगह जहाँ जगह मिला वहाँ थोड़ा तो भगा है। सावधान, ओ वाव, दोनों हाथ छोड़ दो, मस्त चलते रहो। डांडाना डांडाना, पूरा लीन करते हुए मस्त मजाते हुए। और ये डांस कर रहा है देव, और मैं इंजन बंद कर दिया हूँ। ओह मजा आ रही है यार, दोनों बाजू पहाड़, बीच में रोड, ठंडी ठंडी हवाएं। ऐसे रोड पे चलाने के लिए मज़ा ही आ जाता है भाई साहब। लेकिन चल रही अंबानी, रोड तो काफ़ी बढ़िया है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, बाकी रोड ठीक है। तो हम लोग गए थे इस राइड से पहले करजत एस्के फार्म, उधर का रोड थोड़ा काफ़ी गंदा था कुछ किलोमीटर तक, पर यहाँ पे उतना भी गंदा नहीं है, सही है। थोड़ी तारीफ़ किया और ये से बेकार रोड मिल रहे, वाह, पर वाकई में व्यू ऑसम है, ऑसम। खतरनाक व्यू है यार, सामने देखो गाइस पूरा लेक है। वो इन लोग के मजे है एडवेंचर वाले लोग, देख रहे हो खड़े हो रहे के चला रहे हो, फील ले रहे फील एडवेंचर गाड़ी का। जमा हो गए और यहाँ से निकलेंगे हमारे डेस्टिनेशन पे, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है आगे। एक दूसरे के लिए रुके थे, 5-6 लोग पीछे थे क्योंकि रोड बहुत ख़राब था इसके लिए। और वहाँ आगे फोटोग्राफर यहाँ पे एक फ़ोटो लेंगे। गाइस फाइनली फोटोशूट वीडियो हो गया और निकल। ओ सब गांव है, ये छोटा गांव है, तो यही देखने के लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं। जो वहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है तो वो डैम है, वो डैम से पानी बाहर निकलता है। अभी स्लो आ रहा है पानी वहाँ से, जब ऊपर ओवरफ्लो होता है तो वो लोग पानी छोड़ते हैं, तो वो है पोमना लेक। और हमारा डिस्टिनेशन यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, बाकी राइडर पीछे है, मैं स्लो ही चल रहा हूँ क्योंकि और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे हम लोग दूसरे वे में आ गए थे, तो वापस हम लोगों ने यू टर्न कर लिया है और वापस सही वे में जा रहे हैं। कुछ हम लोग 6-7 राइडर बाकी के वहाँ निकल गए क्योंकि दो रोड था तो पता ही नहीं चला कहाँ जाना था। बहुत
होता है होता है। देखो और यहाँ ही रुके हैं पीछे। यहाँ पे ज़्यादा स्प्लेंडर फैशन प्रो यही सब देखने के लिए मिल रहा है और किसी के पास भी हेलमेट नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे ब्रेकिंग नहीं किया और आगे निकल गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कंट्रोल कर लिया मैं, ब्रेकिंग अच्छे टाइम पे लग गई और आगे से गाड़ी थी वो स्लो थी वैगनार। ये है पावना लेक, जो पानी भर जाता है वहाँ से वो लोग थोड़ा ड्रॉप करते हैं, वो वहाँ से नदी है छोटी सी, वहाँ से निकलता है पानी। तो ये फील लेने के लिए हम लोग आगे आ गए और लंच के लिए और आधा घंटा टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने बोला ये एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहाँ से काफ़ी ऊपर भी जा सकते हैं, जाने के लिए रास्ता है, रोड अच्छा है। 1:30 बज रहा है अभी, ऊपर से अपनी बाइक ऊपर से हम लोग लेके आए थे, सब चढ़ने का उतरने का चढ़ने का उतरने का सब जगह, ये साइड साइड से रास्ता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, शाम में काफ़ी अच्छा लगेगा, अभी भी अच्छा ही लग रहा है, लोग कम हैं अभी क्योंकि धूप है थोड़ा, अभी धूप चालू हो गया। हम लोग मुंबई से निकले थे 6 बजे निकले, 7:30 बजे तक पहुँचे थे हम लोग पनवेल में, और पनवेल से फिर हम लोग आए लोनावला, वहाँ ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से सीधा हम लोग पहुँचे पवना लेक। रेडी टू रेस, और अपना चैनल Duke390_naked गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और ये अपना सेटअप, दोनों नेकेड। कभी का मॉडल है आपका? 2017 का है, और मेरा 18 का मॉडल है मैन्युफैक्चर, 19 में मैंने लिया था, दोनों नेकेड। अभी बच गया, नहीं तो ये लग के अभी मेरा जैकेट फट जाता था, गियर्स बच गया। काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी अच्छा है, शाम के टाइम और भी अच्छा लगेगा यहाँ पे ना, थोड़ा अभी धूप हो रहा है ना, अभी भी हवा हवा है, ठंडा ही है, लेकिन अपन गियर्स पहने इसकी वजह से थोड़ा अपने को गर्म फील हो रहा है। बाकी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, शाम में काफ़ी मज़ा आएगा, अगर यहाँ पे होटल वगैरह छोटा लेके अगर रुकते और शाम के टाइम फील लेने आते तो बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा। गाइज अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, मेरे पास है चिकन, एक ग्रेवी वाला, एक ड्राई और काकड़ी और रोटी है और एक गुलाब जामुन, और ये वेज खाने वाला इंसान है घास भूसा, तो ये दाल है और पनीर है, रोटी है, बाकी एक गुलाब जामुन देखिए छुपा के रखा है दो इधर, और बाकी अपने आप लोग को तो मालूम है बिना चिकन मटन के अपने को तो जाने वाला है नहीं, तो अपन चिकन मटन के अलावा कुछ नहीं, अपना ऑर्डर किया चिकन, तो अपने पास है ग्रेवी चिकन और ड्राई चिकन। गाइज हम लोग का लंच कंप्लीट हो गया, अभी एक एक करके राइडर सारे निकल रहे हैं, जिसको जिधर भी जाना है, मैं और देव सीधा घर निकलूँगा यहाँ से अभी 4 घंटा दिखा रहा है मेरे को 138 किलोमीटर, तो मैं और देव सीधा यहाँ से घर निकलेंगे, अभी फ्रेश हो रहा है, थोड़ा नींद मार रहा है देव, और ये चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, एक 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 करके निकल रहे हैं अभी। एक एक करके लाइन में, ओ ये हवा कम है टायर में, ओ क्या बात है, खस दिया टायर। और लास्ट में देव निकल रहा है, देव बूम, ओहो शायद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सप्लोर के साथ।
तभी तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।